विश्व हिंदू परिषद की ओर से बजरंग दल विदर्भ प्रांत अधिवेशन का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से शहर में बजरंग दल विदर्भ प्रांत अधिवेशन का आयोजन किया गया है। रेशमबाग स्थित स्मृति मंदिर में शनिवार को अधिवेशन उद्घाटन किया गया। इस अधिवेशन में विदर्भ के सभी जिलों से बजरंगी उपस्थित हुए है। बजरंग दलाचं हे प्रांतीय अधिवेशन आहे। बजरंग दलाने असं ठरवलं आहे की दरवर्षी एक अधिवेशन घ्यायचं। तर पहिलं अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन होईल, दुसरं अधिवेशन प्रांतशाह होईल। आता हे जे संघटनेच्या दृष्टीने देशभरामध्ये 44 प्रांत आहेत, 44 अधिवेशन या देशामध्ये प्रांतस्तरावरती होणार आहे, त्यातलं हे एक अधिवेशन आहे। त्यानंतर पुढच्या वर्षी जिल्हाशा अधिवेशन होतील आणि अधिवेशन करायचं म्हणून एक रॅली काढायची, एक सभा करायची, आम जनतेमध्ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काय म्हणतो, काय समजतो आणि आमचे काय विचार आहेत ते आम जनतेपर्यंत पोहोचवणे, त्याच्याकरता एक सभा करायची। या उद्देशाने आजची ही रॅली काढत आहे आणि ही रॅली इथं निघून चिटणीस पार्कपर्यंत जाईल आणि तिथे आमचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विश्व हिंदू परिषदेचे संयुक्त महामंत्री श्रीयुत सुरेंद्रजी जैन आणि आपल्या विदर्भातले प्रमुख संत पूज्य जितेंद्रजी महाराज हे त्या सभेला संबोधित करतील। शनिवार की पूर्व संध्या को शहर के चिटनेस पार्क में जाहिर सभा का आयोजन किया गया है। सभा में प्रमुख वक्ता के रूप में जितेंद्र नाथ महाराज व विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र जैन उपस्थित थे। आयोजित इस बैठक में देश में चल रहे तनाव व वातावरण पर चिंतन किया जाएगा। विदर्भ प्रांत से आए हुए ये कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, ये सभी संयोजक है और संयोजकों का बिड़ावा यहाँ पर रखा गया है। जो देश में परिस्थितियाँ चल रही है उस परिस्थिति में हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए ये तमाम हिंदू युवा यहाँ जमा है और हिंदू समाज की रक्षा करने का संकल्प कर्तव्य ये कर रहे हैं। और जो गलत जानकारियाँ देश में गलत वातावरण निर्माण हो रहा है वो गलत वातावरण को खत्म करने के लिए घर घर जाकर संदेश देने का कार्य जो आज हम कार्यकर्ता हमारे करने पूरे विदर्भ के गाँव तक जाएंगे और जाकर राम उत्सव के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित करने के काम ये सब करेंगे। आप टीवी के माध्यम से अभी देख रहे हो क्या वातावरण चल रहा है दिल्ली में, क्या हुआ कैसे घरों से कैसे पेट्रोल बम फेंके गए, ये ढूंढने का काम अगर कोई करेगा तो मेरा बजरंग दल का कार्यकर्ता करेगा। अपने अपने क्षेत्र में उनको सब बताया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ आप रहते हो वहाँ ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसी गतिविधियों को चला रहे हैं। ऐसे लोगों को जग जाहिर करना पड़ेगा कि कल तक हम बजरंग दल वाले जब बोलते थे तो समाज विश्वास नहीं करता था, राजनेता लोग कहते थे कि हम ही लोग गलत है, लेकिन आज स्वयं अपने आंखों से पूरा समाज देख रहा है कि कैसे बिल्डिंग के टावरों से बम छोड़े जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। ये सब न हो उसके लिए सब बजरंग दल का कार्यकर्ताओं को संदेश देने का कार्य इस अधिवेशन से हम लोग करने वाले हैं। जाहिर सभा से पहले स्मृति भवन में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया था। इस शोभा यात्रा में अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति रखी हुई थी। शोभा यात्रा स्मृति भवन से प्रारंभ होकर जाहिर सभा स्थल चिटनेस पार्क पर समाप्त। मुंबई में चल रहे वित्त अधिवेशन में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है। इस मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इस विधेयक से बाला साहब ठाकरे को भी दुख होगा। अगर राज्य सरकार की ये विधेयक पास किया तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।